फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्ज़ाम 2021 की कट ऑफ के बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ, हमारी विश्लेषण में हमने 4000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों को शामिल किया है, जिसका प्रूफ के साथ हम आपको दिखाएंगे। 4000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की वोटिंग में भाग लिया है और उसका लाइव प्रूफ आपको हम दिखाएंगे। जी हाँ, आप यहां देख सकते हो कि रीट लेवल 1 एसटी रीट लेवल जो फर्स्ट है एग्ज़ाम 2021 में आपने कितने परसेंट सही किए। तो सबसे पहले मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं, इसके अंदर कितने अभ्यर्थियों ने वोट किए हैं। आप नीचे नीचे लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में देखिए, 4016 अभ्यर्थियों ने इसमें वोटिंग में हिस्सा लिया है। जी हाँ, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा सकता हूँ, 4016 अभ्यर्थियों ने वोट किया है, उसके आधार पर ये कट ऑफ हम लेके आए हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक कट ऑफ होती है, वोटिंग से जो कट ऑफ आती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक कट ऑफ आती है। और लगभग 7500 से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने लाइव इसको देखा है, इस वोटिंग को। तो आपको मैम बता देते हैं कि जो परसेंटेज आंकड़ा आया है उसके अनुसार जो रीट की जो कट ऑफ जाने की जो मैक्सिमम संभावना है रीट लेवल फर्स्ट की, जी हाँ, रीट लेवल फर्स्ट की जो मैक्सिमम कट ऑफ जाने की संभावना है वो आप यहाँ पर देखिए कि 121 से 125। जी हाँ, रीट लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, रीट लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम 2021 में 125 से 121 क्वेश्चन मैक्सिमम अभ्यर्थियों के जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो 125 से 121 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि फाइनल आंसर की आते आते अभ्यर्थियों के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल देखें तो रीट लेवल फर्स्ट की जो कट ऑफ है वो 121 से 125 के बीच जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और उसके बाद में जो वेटिंग आती है, वो वेटिंग अगर अपन बात करें कि वेटिंग कहां तक क्लियर हो सकती है, तो वो 116 से 120 के बीच जिन अभ्यर्थियों के नंबर बन रहे हैं वो वेटिंग की दौड़ में है और उनका वेटिंग में होना पूरी पूरी संभावना है। जिसका रीज़न ये है क्योंकि अब की बार रीट लेवल फर्स्ट में रीट लेवल 2 के अभ्यर्थियों ने भी हिस्सा लिया है, तो उनका जिनका रीट लेवल फर्स्ट में अच्छा पेपर गया है, श्योर अगर रीट लेवल 2 का अभ्यर्थी है तो उसका रीट लेवल 2 में भी अच्छा पेपर होगा, तो वो निश्चित रूप से रीट लेवल 2 ही ज्वाइन करेगा। इससे क्या होगा कि रीट लेवल 1 की लगभग 40% से भी ज़्यादा सीटें खाली रह जाएगी, जिससे लगभग सभी अभ्यर्थियों को का वेटिंग में नंबर आ जाएगा और हो सकता है कि एक और वेटिंग जारी करने पड़े। उसके बाद में हम बात करते हैं रीट लेवल 2 के अंदर, सबसे पहले बात करते हैं रीट लेवल 2 के अंदर साइंस मैथ की कट ऑफ। जी हाँ, साइंस मैथ के अंदर अभ्यर्थियों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं कि इसके अंदर जो अभ्यर्थियों का जो आंकड़ा है वो हमारे इसके अंदर 2727 अभ्यर्थियों ने वोट किया है और जिसको लाइव 5.5 यानी लगभग 5800 अभ्यर्थियों ने इसको लाइव देखा है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना बिल्कुल ना भूले। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है रीट लाइव 2021। जी हाँ, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए रीट लाइव 2021 और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, साथ में जो भी अपडेट होती है न्यू वैकेंसी से संबंधित वो आपको मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं साइंस मैथ के कट ऑफ, उसके बाद में हम अन्य सब्जेक्ट की भी कट ऑफ बताएंगे। तो साइंस मैथ की जो कट ऑफ है वो इस बार जाने की संभावना है 121 से 124 साइंस मैथ की कट ऑफ जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम अभ्यर्थियों के जो पर्सन है वो 121 से 125 के बीच में है। तो वही बात यहाँ पर लागू होती है कि फाइनल कट ऑफ आने तक कुछ अभ्यर्थियों के क्वेश्चन कम हो जाते हैं तो कुछ अभ्यर्थियों के क्वेश्चन बढ़ भी जाते हैं, दोनों ही स्थितियाँ यहाँ पर देखने को आपको मिलती है। तो जो मैक्सिमम जो रेशियो होता है वोटिंग के अंदर, ऑलमोस्ट आज तक के ट्रैक रिकॉर्ड में यही देखने को मिल रहा है कि जो मैक्सिमम वोटिंग वाला जो रेशियो होता है कट ऑफ उसी इंटरवल में रहती है। जी हाँ, कट ऑफ उसी इंटरवल में रहती है। उसके बाद में इसमें 2727 अभ्यर्थियों ने भाग लिया है, वोट किया है, जिसमें से
मतलब 2727 के 20% अभ्यर्थियों ने 121 से 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं, तो जो इसकी कट ऑफ का आंकड़ा है वो 125 से 121 के बीच में। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट हम आपको दे देते हैं, जी हाँ, रीट लेवल 2016 का रिजल्ट अभी अभी जारी हुआ था, उसकी वजह से उसमें क्या हुआ कि लगभग 873 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो इसलिए क्या है कि उसमें से लगभग 400 के समथिंग अभ्यर्थी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, और 400 अभ्यर्थी इसमें से नए गवर्नमेंट जॉब में लग रहे हैं। तो इससे ये होता है कि 400 अभ्यर्थी जो नए गवर्नमेंट जॉब में लग रहे हैं वो सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, और साथ ही उनकी तैयारी भी लंबे समय से है, तो निश्चित रूप से उनका रीट 2021 साइंस मैथ में भी वो पेपर दे के आए हैं, तो उनका पेपर बहुत अच्छा गया है निश्चित रूप से, क्योंकि उनकी लंबी तैयारी हो जाती है। तो उसको देखते हुए ये 400 अभ्यर्थी लगभग, इन 400 अभ्यर्थी जो शेष रह गए हैं उनमें से लगभग 350 प्लस अभ्यर्थी इस बार भी सिलेक्ट होंगे, निश्चित रूप से सिलेक्ट होंगे। लेकिन वो 2016 की रीट वैकेंसी है उसको ज्वाइन कर चुके होंगे अंततः, तो इसलिए वो 2016 की भर्ती में रहेंगे, क्योंकि 2016 की भर्ती में रहने से उनको सीनियरिटी का फ़ायदा होता है, इसलिए निश्चित रूप से वो 2016 की भर्ती ही रखेंगे। तो उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस बार जब लगभग 350 से 400 अभ्यर्थी जो मोर इंटेलिजेंट अभ्यर्थी हैं उनका कंपटीशन इस बार इस एग्ज़ाम में कम हो जाएगा, जो भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है कट ऑफ के ऊपर। लगभग कट ऑफ के अंदर 3 से 4 क्वेश्चनों के कट ऑफ पर का वेरिएशन हो जाता है इसकी वजह से। तो इसकी जो कट ऑफ है 121 से 125 साइंस मैथ के कट ऑफ जाने की संभावना है अकॉर्डिंग टू वोटिंग, अकॉर्डिंग टू टेलीग्राम चैनल एनालिसिस के। अब नेक्स्ट बात करते हैं रीट लेवल 2 SST की कट ऑफ कितनी जा सकती है। जी हाँ, रीट लेवल 2 SST की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो इसके अंदर हमारी वोटिंग में भाग लिया है लगभग 2550 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। जी हाँ, हमारी वोटिंग के अंदर भाग लिया है 2550 अभ्यर्थियों ने वोट किया है, और इसको लाइव देखा है अब तक 5800 अभ्यर्थियों ने इसको लाइव देखा है। तो और इसकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ के अंदर ये आपके सामने आ रहा है कि मैक्सिमम जो क्राइटेरिया आ रहा है वो इसका भी 125 से 121 के बीच ही आ रहा है, तो इसकी भी कट ऑफ जो है ना अब लगभग 121 से 125 के बीच जाने की पूरी संभावना है। आप ये मान सकते हो कि 120 से 125 के बीच में SST की कट ऑफ जाएगी। जी हाँ, ये कट ऑफ हम नहीं बता रहे, ये कट ऑफ आप ही लोगों ने जो वोटिंग की है उस वोटिंग के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम कट ऑफ बता रहे हैं। हमने हमारी कट ऑफ जो है वो कैटेगरीज वाइज अलग से वीडियो बना के डाल रखा है, सभी सब्जेक्टों की कैटेगरीज वाइज कट ऑफ का वीडियो हमने अलग से बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूले, चैनल विजिट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू। किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं, साथ ही आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो हमें बताना बिल्कुल ना भूलें।